भाई स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में। अगर आप जयपुर घूमने आना चाहते हो तो आप ज़रूर अमेर फोर्ट घूमने के लिए आओगे। तो अमेर फोर्ट से 2 या 3 किलोमीटर के बाद आपको मिलेगा एक हाथी गांव, बहुत फेमस है। ये दुनिया में पहला ऐसा गांव है जो हाथी गांव से सम्मानित किया गया। तो अभी मैं यहाँ पर आया हूँ और आप देख रहे मेरे पीछे उस गांव यहाँ से शुरू होता है। तो गांव के अंदर जाने के लिए आपको वहाँ से टिकट लेना पड़ेगा। टिकट होता है 55 रुपये पर पर्सन का और यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है हाथी गांव। तो अभी हम अंदर जाते हैं गांव के। मैं पहली बार आया हूँ क्योंकि मेरे दोस्त ने बोला अगर आप यहाँ पे आए तो हाथी गांव नहीं देखा तो आपका ये ट्रिप अधूरा रहेगा। तो अभी मैं इधर विजिट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सर लोग बैठे तो अभी मैं चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये हाथी गांव। दोस्त बोले है बहुत अच्छा है, आ जाओ घूमने के लिए और इतना दूर भी नहीं है। अमेर फोर्ट से आप पैदल पसंद करते हो तो पैदल भी आ सकते हो और उसके बाद 15 या 20 रुपये देकर आप ऑटो से भी आ सकते हो। और यहाँ पे मैंने आपको बोला था पिछले वीडियो में, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का बहुत अच्छा है। यहाँ पे ऊबर, ओला और रैपिडो, ये 3 या 4 सर्विसेज बहुत अच्छी तरीके से और बहुत कम खर्चे में सर्विस प्रोवाइड करती है। तो मैं यहाँ पे आया हूँ पैदल क्योंकि मेरा दोस्त था मेरे साथ, तो बात करते करते क्योंकि यहाँ पे ही मेरा एक दोस्त बन गया तो हम बात करते करते यहाँ तक पहुँच गए और यहाँ से वो सीधा निकल गया उसके गाँव के लिए और मैं हाथी गाँव विज़िट करने के लिए आ गया। यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के पेड़ पौधे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं ऐसा कुछ सीन है इस हाथी गांव के अंदर। अभी तक तो एक भी हाथी नहीं दिखा, लेकिन रास्ते में जब मैं यहाँ आ रहा था तो बहुत सारे हाथी देखे मैंने, तो बढ़िया लगा और सोचा क्या घूम लेते यहाँ पे भी क्योंकि इतने दूर आए तो एक व्लॉग तो बनता है यार। और बढ़िया, सब बढ़िया यहाँ पे। और हाँ तो भाई आपने देखा यहाँ पीछे था 2-3 हाथी, मतलब यहाँ पे मैंने बहुत हाथी देखे और वीडियो शूट भी किया, लेकिन सब वीडियो इसमें ऐड नहीं कर सकता क्योंकि सब वीडियो मैं इसमें ऐड करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो इसके लिए जो अच्छे अच्छे क्लिप्स है वही मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ और बाद में देखेंगे यहाँ पे। ओके और यहाँ पे मुझे घोड़ा भी मिला, हाथी गांव था यहाँ पे घोड़ा भी मिला और मुर्गा भी मिला। मुर्गी के साथ मैंने वीडियो भी निकाला, वो वीडियो भी मैं ऐड कर दूँगा उसमें। और बाकी ठीक, गाँव बहुत बढ़िया लेकिन बहुत प्रॉब्लम है इस गाँव में बच्चों का, तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि 2100 से इसके पास हाथी से ही ये लोग कमाते, तो कोई बात नहीं। और ये रहा इस गांव का तालाब है, इसमें पानी मैंने गूगल मैप पे भी देखा था इस तालाब को, लेकिन यहाँ पे आने के बाद थोड़ा अंदर आया मैं और मुझे पता चला कि ये सूख गया पूरा। मुझे लगा कि ये सूख गया होगा पूरा क्योंकि बारिश नहीं होती यहाँ पे तो इसके लिए, लेकिन जैसे और थोड़ा अंदर आया तो ये तालाब दिखा तो पानी था इसमें। और जी हाँ मज़ा तो आ रहा है भाई, इतना दूर आया हो घूमने के लिए सोलो ट्रैवलर। इस तरह का है गांव के पीछे, हाथ भी दुख रहे, बैग भी ऑलरेडी बहुत हेवी हो रखी है और ट्राईपॉड माइक तो ये सब चल रहा है। भैया कमेंट करते जाओ वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर देखनी है और कौन से टूरिस्ट प्लेस पर देखनी है तो मुझे भी समझ में आएगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना आपको वीडियो कौन से स्टेट, कौन से कंट्री कहाँ की देखनी है और कौन से टूरिस्ट प्लेस की देखनी है, वो मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करूँगा और आपको दिखाऊँगा क्योंकि मेरा तो अभी काम ही बन गया आपके लिए
आपका और मेरा ये सफ़रनामा चलता ही रहेगा। तो इसके लिए कमेंट में बोलना कौन सा टूरिस्ट प्लेस देखना है, वो आ जाएगा। बहुत बहुत पेड़, बहुत पेड़ और हरी भरी भी है यहाँ पे। रास्ता मैंने यहाँ के लोगों को पूछा कि भाई गांव में कितने हाथी है, तो बहुत सारे लोग कोई बताता है कोई 70 हाथी है बोलता है, कोई 50 हाथी है बोलता है, ऐसा ही है। और मतलब यहाँ पे एक सिस्टम है, एक घर में 3 ब्लॉक होते हैं और एक ब्लॉक में एक हाथी रहता है और एक ब्लॉक में हाथी का पूरा खाना रहता है और एक हाथ में एक ब्लॉक में वो जो हाथी को पाल रहा है उसका मालक, उसका परिवार रहता है। तो यहाँ का ये सिस्टम है और सही लगा सिस्टम, बहुत अच्छा था। हाँ, कहाँ पे मिलते हैं एलिफेंट? ये सारे एलिफेंट कहीं पर भी किसी के पास से भी, वहाँ एलिफेंट राइडिंग जो है ऑन पेमेंट होता है बेटे। ओके ओके जी हाँ। नहीं पेमेंट तो ले गए क्योंकि उनका जो घर बार है उस पर ही चलता है ना एलिफेंट। नहीं, खाता बहुत ज़्यादा है। हाँ वही वही गन्ना खाता है। हाँ हाँ, एक गन्ना ही जो है वो 15 रुपए का आता है। हाँ हाँ, तो वो तो दुनिया भर का गन्ना खा लेता है। ओके, तो चलो मैं चलता हूँ, मेरे को दूर जाने का। चलो थैंक यू भाई, बाय 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 बाय। ओके, तो ये लोग मुझे मिले, ये भाई सफाई करता है और ये यहाँ के आई थिंक ऑफिसर लगते हैं मुझे। ठीक है, तो आ गया हूँ मैं यहाँ पे गेट पर। देखा अपने हाथी गाँव कैसा है? मुझे तो बढ़िया लगा यार। मतलब अगर आप थोड़े बारिश के मौसम में आते ना तो यहाँ पे और अच्छा व्यू आपको देखने को मिलेगा। अभी तो खैर थोड़ा धूप है और मैं बहुत धूप में आया हूँ तो मेरी हालत ख़राब हो रखी है क्योंकि मेरे पास ये ट्राईपॉड और मेरे दूसरे हाथ में भी ट्राईपॉड है और ये बैग भी बहुत भरी हुई है क्योंकि इसमें पावर बैंक, वाटर बॉटल्स बहुत भरी हुई है, तो हालत बहुत ख़राब। अभी जाना है हॉस्टल पे और हॉस्टल भी दिखाना है। हॉस्टल का भी शूट किया नहीं है, हो जाएगा, हॉस्टल का भी शूट हो जाएगा तो आ जाएगा, उसका भी वीडियो आ जाएगा। बाहर जाने का रास्ता कहाँ से भैया? ओके, तो और हाँ, तो भाई इंस्टाग्राम पे मैं डेली अपडेट्स डालता रहता हूँ। बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आई, मतलब आपको देखने को मिलेगी लेकिन शूट में आज करो, आफ्टर एक मंथ या 25 दिनों के बाद आपको ये वीडियो देखने को मिलेगी। लैपटॉप में कैरी नहीं करता ट्रैवल करते समय, तो इसके लिए अगर आपको डेली अपडेट्स या कहाँ पे भी मैं ट्रैवल करता हूँ उसकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जाननी होगी तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर ले, क्योंकि वहाँ पे जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ ना तो उसकी वीडियो डालते ही रहता हूँ। तो आ जाओ वहाँ पे, जुड़ जाओ और डेली अपडेट्स या डिजिटल ट्रैवल का मज़ा लो।